और दोस्तों इस वक्त की तीन बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में शेयर जरूर कर लेना, ताकि आप और हम ऐसे ही न्यूज़ का आदान प्रदान कर सकेंगे। पहली खबर है, हर घर में बिजली मीटर हो जाएंगे, प्रीपेड बदलने का काम 1 अप्रैल 2019 से होगा शुरू। देश के हर घर में बिजली के मीटर को प्रीपेड मीटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। आपके और हमारे घरों में लगे बिजली के मीटर को प्रीपेड बनाने के लिए पुराने मीटर बदल दिए जाएंगे। बिजली मंत्रालय के मुताबिक पुराने मीटर को प्रीपेड में बदलने का काम 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा। अगले 3 साल में देश भर में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। बिजली मंत्रालय के फैसले से यह भी कहा गया है कि सभी मीटर को प्रीपेड में करने से बिजली वितरण कंपनियों का डिस्कॉम की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी खबर है, BSNL लाया सबसे सस्ता प्लान, मात्र 36 रुपये में मिलेगी 6 महीने की वैलिडिटी, बार बार रिचार्ज कराने से मिलेगी मुक्ति। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड एक नया रिचार्ज लेकर आई है। यह रिचार्ज खास उन ग्राहकों के लिए जो हर महीने रिचार्ज करने से परेशान है। इस रिचार्ज में कंपनी अपने ग्राहकों को 6 महीने की लंबी वैलिडिटी दे रही है, और इस रिचार्ज को कराने के बाद BSNL के ग्राहकों को बार बार रिचार्ज कराने से मुक्ति मिल जाएगी। यह रिचार्ज उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने इनकमिंग कॉल को जारी रखने के लिए 35 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। BSNL अपने ग्राहकों के लिए लंबी वैलिडिटी के 2 नए रिचार्ज पैक लेकर आई है। ये दोनों रिचार्ज पैक 36 और 37 रुपये के हैं। दोनों ही रिचार्ज पैक पर 5 महीने की वैलिडिटी उपलब्ध है। 36 रुपये के रिचार्ज में 50 MB का डाटा मुफ्त में मिल जाता है, और यह रिचार्ज उन ग्राहकों के लिए है जो प्रति सेकंड वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं। वहीं 37 रुपये वाला रिचार्ज उन ग्राहकों के लिए है जो प्रति मिनट वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं। यह दोनों ही वैलिडिटी वाले रिचार्ज है, और इनमें किसी भी प्रकार का बैलेंस नहीं मिलता है। तीसरी खबर है, बदल जाएंगे आपके पासपोर्ट, सरकार लाने जा रही है चिप वाले ई पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आपके पासपोर्ट बदलने वाले हैं। विदेश मंत्रालय चिप वाले ई पासपोर्ट जारी करने जा रहा है। इसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में बेहतर प्रिंटिंग एवं पेपर की क्वालिटी होगी। ई पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में होगी। ई पासपोर्ट में लगी इस चिप में आपकी सारी डिटेल, बायोमेट्रिक्स डेटा, डिजिटल साइन स्टोर किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चिप वाला यह ई पासपोर्ट आपके पारंपरिक पासपोर्ट की जगह ले लेगा। अगर कोई इस चिप के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पासपोर्ट सेवा सिस्टम को इस बात का पता चल जाएगा, जिससे पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की काम की खबरों की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।